नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को 11 लोकसभा सीटों पर करारा झटका लगा। उसके बाद हाड़ोती रीजन की आने वाली तमाम सीटें जहां पर सीधी टक्कर सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा की राजनीतिक यहां पर जमीन को लेकर के लड़ी जा रही थी, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटें जीत करके ये दावा पेश कर दिया कि यहां कांग्रेस पार्टी का किला मजबूत दिखाई दे रहा है। सचिन पायलट दौसा, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, इस पूरे इलाके को कवर करते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी ने वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देकर के एक नए सियासी बवाल को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा था कि मेरे इलाके में यदि बीजेपी हार जाती है लोकसभा चुनाव में तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया। अब सचिन पायलट ने उनके ऊपर एक करारा प्रहार किया है। उनकी तरफ से कटाक्ष करते हुए ये कहा गया है कि किरोड़ी लाल मीणा जैसे अहंकारी नेता को जनता ने सबक सिखाया है। हमने किसानों की, नौजवानों की, राजस्थान की कानून व्यवस्था की, पिछले 6 महीने के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की, यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जाकर के उनकी नीतियों की खिलाफत की और लोगों ने माना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद राजस्थान में तमाम चीजें और भी यहाँ अस्थिर होती हुई नजर आई हैं। लेकिन इस बीच एक नया विवाद यह खड़ा हो गया है कि भजनलाल शर्मा को क्या मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया की मुलाकात होती है भजनलाल शर्मा के साथ, वहीं किरोड़ी लाल मीणा के साथ भी मुलाकात होती है, हाईकमान तक ये बात जाती है। आखिरकार वसुंधरा राजे सिंधिया क्या राजस्थान में अपने सियासी प्रभाव को बढ़ाती हुई नजर आएंगी? और जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान एक महिला शक्ति को एकत्रित करने का यहाँ पर काम किया, जिसकी बदौलत महिलाओं ने अधिक मतदान किया और 1.5% अधिक वोट पाकर के भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तो क्या वाकई में अब राजस्थान में आने वाले वक्त में बीजेपी का यहाँ पर नेतृत्व फिर से वसुंधरा राजे सिंधिया को सौंपा जाएगा? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि भजनलाल शर्मा मात्र 6 महीने के विधायक, 6 महीने के मुख्यमंत्री हैं और इसके साथ साथ ही जिस तरीके से वह लगातार राजस्थान की राजनीति को लेकर के जो बयानबाजी देते आ रहे थे उस पर विपक्ष हावी होता हुआ नजर आ रहा था, दूसरी तरफ देखा जाए तो भजनलाल शर्मा इस वक्त राजस्थान में कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है, जो गुटों का यहाँ पर एक जोड़ है, उस गुट से अलग नजर आ रहे हैं। तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया को आगामी राजनीति में साधने के लिए बीजेपी एक बार फिर से कोई बड़ा उलटफेर करती हुई नजर आएगी? क्या वसुंधरा राजे सिंधिया की जो नाराजगी है उससे हाईकमान यहाँ पर प्रभावित हो रहा है? क्या पार्टी संगठन को कोई किसी तरीके का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है? तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। इन सवालों पर जवाब तभी मिलेगा जब हाईकमान की तरफ से कोई जवाब आएगा या फिर कोई आगामी सियासी उठापटक देखने को मिलेगी। लेकिन सचिन पायलट ने आवश्यक रूप से एक महत्वपूर्ण यहां पर बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के लोग बीजेपी के 6 महीने के शासनकाल से ही काफी निराश और हताश हैं। बीजेपी ने जिस तरीके से जो वायदे किए थे उन वायदों पर फ्लॉप हो चुकी है। भजनलाल शर्मा के पास कोई विजन नहीं है और राजस्थान में आगामी वक्त में भजनलाल शर्मा को अपनी सीएम कुर्सी भी यहां से गंवानी पड़ेगी। इसके साथ साथ आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी यहां अग्निवीर को लेकर के लड़ाई को और तेज कर दिया है। अब आगामी वक्त में हनुमान बेनीवाल भी सड़क पर उतरकर बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा यहां पर आंदोलन छेड़ सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।